ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर के द्वारा दिए गए भाषण पर हो रही बयानबाजी को लेकर बीजेपी के सुजानपुर मंडल उपाध्यक्ष अंजना ठाकुर ने इसे विरोधी दलों की साजिश करार दिया है। अंजना ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा अपने भाषण में किसी तरह की अभद्रता का परिचय नहीं दिया है, लेकिन विरोधी दलों के नेता बयानबाजी करने से नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में उन्होंने विरोधी नेताओं से पूछा है कि जब जेएनयू में देशद्रोही के नारे लग रहे थे तब उन्होंने बयानबाजी क्यों नहीं की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रहे प्रशांत भूषण ने इस मामले में कई टिप्पणियां की है जो कि सही नहीं है। अंजना ठाकुर ने ऐसे नेताओं को अपनी हद में रहकर टिप्पणियां करने की सलाह दी है। मेरा सभी एफबी मित्रों को जय श्री राम। मैं आज एक बहुत ही जरूरी बात को लेकर आपके सामने रूबरू ही हूँ। आजकल आप सभी को पता है कि दिल्ली में चुनाव प्रचार चला हुआ है और भाई अनुराग ठाकुर जी भी वहाँ पर स्टार प्रचार के रूप में प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिन हुए प्रचार एक रैली के प्रचार चुनाव प्रचार की एक रैली के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अंत में नारा लगवाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उस नारे को लेकर कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। और विशेषकर मैं तो उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, खासकर प्रशांत भूषण जी से जो कि आम आदमी के पार्टी के नेता भी रहे हैं और एक वरिष्ठ वकील भी हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रशांत जी, आप लोग जब कोई देश हित में नारे लगाता है, देश हित की बात करता है, तब तो आप उनके विरोध में खड़े हो जाते हो, लेकिन आप लोग उस वक्त कहाँ होते हैं जब देश के इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है जेएनयू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, तब आप कहाँ थे। अब अभी जो CAA का विरोध करने के लिए जो इतने विरोधी तत्व जो इतने हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, तब आप कहाँ थे। और अभी जो इतना बड़ा ड्रामा चला हुआ शाहीन बाग का है, तब आप कहाँ होते हैं। और तब आप ये बात क्यों नहीं करते कि जेएनयू के लोगों को जो है वो जेल में डाला जाए, जबकि वो सरेआम, जबकि वो बिल्कुल सभी लोगों के इतने बड़े मीडिया के सामने कहते हैं कि देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तो ऐसी संकीर्ण विचारधारा और ऐसी संकीर्ण सोच रखने वाले अगर हमारे हिंदुस्तान में जब तक नेता हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की दशा सुधरने वाली है। मोदी जी कितने ही प्रयास कर रहे हैं, इतने सराहनीय काम कर रहे हैं, तब तो आप लोग कभी बोलते नहीं हैं। और आज इस बयान को लेकर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस बयान को लेकर, इस नारे को लेकर आपने ये तक बयान दे दिया कि मोदी को और भाजपा को ऐसे ही जाहिल लोग कैबिनेट के लिए मिलते हैं। प्रशांत जी, जरा अपनी भाषा का थोड़ा सा सुधार करिए और ऐसी भाषा को प्रयोग ना करिए। मुझे लगता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए हैं, तो कृपया करके आप ऐसी देश विरोधी विचारधाराओं के साथ खड़े मत होइए। देश के प्रति बोलने वालों का साथ दीजिए, देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, आप चिंता मत करिए। और रही बात अनुराग ठाकुर जी की, तो अनुराग ठाकुर जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होगी, पूरा हिमाचल प्रदेश उनके साथ है।